कहीं आप फेल हो गए तो गांव समाज के लोग क्या कहेंगे? जी लोग कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आए? क्योंकि रिजल्ट आने से पहले हम पांचों दोस्त जा रहे हैं गुजरात लोहा फैक्ट्री में काम करने। चलो बच्चों आज का सवाल ये है, मुझे ये बताओ कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरा कदम? अरे सर दूसरा भी उसने रखा होगा, लंगड़ा थोड़ी होगा वो। अरे थोड़े कैसी कैसी बातें कर रहा है तू? सही तो कह रही हूँ यार, दूसरा भी उसने रखा होगा, बता पहला रखा तो लंगड़ी चुई है थोड़ी खेलने में आओ। तेरे बात भी सही है यार। रोड नहीं है ऐसा क्यों? ये बात आप बहुत अच्छा पूछे हैं जी। देखिए आजकल का जो लड़का सब है बच्चा सब है ये लोग मोटरसाइकिल लेता है और हन हन ही ले चल जाता है एकदम से, एक्सीडेंट हो जाता है हॉस्पिटल पहुंच जाता है। आजकल का बच्चा माए बाप के हाथ से बाहर है एकदम, इसीलिए हम अपने गांव में रोडवे नहीं बनाए हैं। ना रोड रहेगा और ना कोई फुर्र से उड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो ऐसे करना है ठीक है, चलो सुनो आज मैं तो तुम्हारे साथ ही होली खेलूंगी। अरे मुझे नहीं खेलना है तुम्हारे साथ होली। क्यों? क्योंकि मैं अपने पड़ोस वाली भौजी के साथ खेलूंगा, वो भी कपड़े फार होली। हाँ ये औरतें भी बड़ी अजीब होती हैं। दोपहर को पड़ोसन से अपने ही पति की बुराई करती हैं और शाम को अपने ही पति से पड़ोसन की बुराई करती हैं। ध्यान तो पढ़ ले, कहाँ खेलने लगे? मैं 64 के 64 दांत तोड़ दूंगी। अरे दांत तो 32 है, पागल हो रहे थे? मैंने पता था जिम मैं बोलूँ तेरी टांग बीच में जरूर आनी, इसलिए मैंने तेरे भी पहले 32 जोड़ लिए थे। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो या। पापा मैं पेपर में पास हो गया। मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। कोई है बिजली ऑफिस में? रे क्या हुआ रे, आप ही बिजली ऑफिस में बैठते हैं? हाँ हम ही बैठते हैं। तो ठीक से बिजली कहाँ नहीं देते हैं? पूरा गर्मी में लोग परेशान और आपको समझ में नहीं आता है? अरे भाई चुप करिए, पैसा लीजिएगा जोड़ जोड़ के, बिजली दीजिएगा छोड़ छोड़ के। गर्मी में एक सेकंड में बिजली नहीं कटना चाहिए। ठीक है चलते हैं। अगर मैं तुम्हें आई लव यू बोलूं तो तुम वापस बोलोगे? हाँ I love you. वापिस। गर्मी और बीबी दोनों एक जैसी होती हैं। इनका पारा चढ़ते ही अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा देती हैं। औरतों का सबसे बड़ा दुख ये है कि वो अपने बच्चे को छोड़कर अरे सास के बच्चे को सुधारने में पड़ी है। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है, अरे त्योहार मनाए अभी भी। पानी बचाना है तो साल में 364 दिन बचाए, परंतु होली अवश्य मनाए। अरे बदलना है तो अपना व्यवहार बदलिए, त्योहार नहीं। हाँ एक शादी में विदाई के समय रोती हुई दुल्हन की माँ ने उसको समझाते हुए कहा, अरे रो मत बेटी, अगर मेकअप धुल गया तो बारात वापस चली जाएगी। सर ज्ञान ज्यादा जरूरी है कि पैसा? ज्ञान ज्यादा जरूरी नहीं है, पैसा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसा जल्दी कोई देता नहीं है, ज्ञान साले सब बांटते हैं। अरे एक माँ अपने बच्चे को आदमी बनाने के लिए 30 साल लगा देती है और वहीं एक औरत उस आदमी को मात्र 20 मिनट में ही मूर्ख बना देती है। अरे होली को उतना ही लेना गिलास में कि घर वाले को निकलना न पड़े आपकी तलाश में। काश ये औरतें भी हम मर्दों की तरह खूबसूरत होती तो उन्हें बार बार ब्यूटी पार्लर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अरे रंग लगाना है तो इस बार मोहब्बत का रंग लगाना, क्योंकि नफरत के रंग से तो पहले ही दुनिया रंगी हुई है। अरे इन औरतों की बातचीत का 5वां गियर जानते हो क्या होता है? बहन मेरा मुंह मत खुलवाओ। हाँ
अगर कोई शादीशुदा आदमी नींद में मुस्कुरा रहा है तो समझ जाना कि वो सपने में अपनी पत्नी को मायके छोड़ के आया है। गाइस 25 मार्च को होली है, सोच रहा हूँ दारू छोड़ दूं, पर किसके पास छोड़ूं? सभी दोस्त तो गद्दार हैं, ये साले होली के पहले ही पी जाएंगे। आजकल लड़कियां इतना बनठन के मंदिर जाती हैं, समझ में नहीं आता ये दर्शन करने जाती हैं या दर्शन देने।